नमस्ते, मैं हूँ भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 15 अगस्त 2019 है। 15 अगस्त 2019 की बड़ी खबरें क्या है? आज स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ है। बड़ा ही संयोग है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भी आज ही है। दोनों ही त्यौहार को पूरा देश जश्न के साथ मना रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर तंज कसा है और कहा है कि देश में बाढ़ आई थी तो राहुल गांधी तफरी पर थे, जब वापस आए तो केरल में राजनीतिक फोटो सेशन में चले गए। बिहार में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होंगे, ऐसा फैसला नीतीश सरकार ने लिया है। दलीय चुनाव की मांग वर्षों से रही है, जिसका खुलासा सरकार ने कर दिया है। बिहार की राजधानी पटना में बाइकर्स गैंग ने पूर्व आईपीएस अधिकारी और उनके परिवार की पिटाई बीच सड़क पर ही कर दी। बात आईपीएस के कार में बाइकर्स की बाइक से टकराकर लगने से उठी। बाइकर्स ने अपने साथियों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया। पटना जीपीओ में अब फर्जीवाड़ा कर निकासी की राशि 50 लाख से बढ़कर 2 करोड़ हो गई है। इस मामले में 5 कर्मियों की संलिप्तता बताई जा रही है। कटिहार बरौनी रेल खंड पर कटिहार जिले के गौशाला और सेमापुर के बीच रेल लाइन पार कर रहे 3 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। तीनों सीमांचल एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। बिहार की बड़ी खबरों में सृजन घोटाला का मामला भी है। पटना के इनकम टैक्स चौराहा से बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर को सीबीआई ने इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। यह मामला वर्ष 2008 का है। उस समय चीफ मैनेजर भागलपुर शाखा में पदस्थापित थे। इन्होंने डीआरडीए के खाते से सृजन के खाते में बड़ी सरकारी राशि को ट्रांसफर किया था। सीबीआई द्वारा बैंक अधिकारियों पर कार्रवाई का यह दूसरा मामला है। इससे पूर्व इंडियन बैंक के मैनेजर को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार विधानसभा में कथित रूप से अवैध बहाली के मामले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह समेत 41 के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। औरंगाबाद में चोर होने के संदेह में 3 विदेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उनसे सघन पूछताछ कर रही है। औरंगाबाद में वहां लूट गिरोह के 4 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लुटेरों में एक रोहतास जिले का है और 2 औरंगाबाद जिले का है। बगहा जिले के झुमका गांव में आग लगने से 3 घर राख हो गए। वहीं हरेंद्र हजरा नामक व्यक्ति झुलस गया। इस घटना में कुछ मवेशी भी झुलसे हैं। बेतिया जिले के पतुकहिया गांव में जोखंड मुखिया के पुत्र पंकज कुमार की मौत पोखर में डूबकर हो गई। वह शौच के लिए पोखर की तरफ गया था। नेपाल के वीरगंज में बमबारी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को बगहा जिले के नौतन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। उसका नाम भोला महतो है। दरभंगा जिले के मिश्रेलिया गांव में मॉब लिंचिंग के एक मामले में चोर को ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। बताया जाता है कि मृतक अपने अन्य 2 साथियों के साथ चोरी के नियत से एक घर में घुसा था। दोनों भाग गए मगर यह पकड़ा गया। सुपौल जिले के किशनपुर से एक व्यक्ति के घर से 50 बोतल नेपाली शराब बरामद की गई। इस सिलसिले में शिवा कुमार और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। इंडो नेपाल बॉर्डर पर भारत से नेपाल ले जाए जा रहे 24 मवेशियों को एसएसबी ने जब्त कर लिया। मवेशी लेकर जाने वाले सभी मवेशी तस्कर मौके से फरार हो गए। इस कार्रवाई से मवेशी तस्करों में हड़कंप मच गया है। जमुई जिले के राजानगर मोहल्ले में महिशौरी मोहल्ले के गब्बर नामक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वह अपने एक अन्य साथी के साथ व्यवसायी अशरफ से रंगदारी मांग रहा था। लखीसराय के बरहड़िया रेलवे स्टेशन पर एक युवक ट्रेन से गिर गया, वह घायल हो गया। घायल यात्री की पहचान राजस्थान के झुंझुनू जिला के निवासी के रूप में की गई। लखीसराय के विद्यापीठ चौक के पास एक ऑटो पलट गई। इस घटना में इंग्लिश मोहल्ला निवासी प्रकाश कुमार गुप्ता की मौत हो गई। वहीं रेशमी परवीन नामक लड़की गंभीर रूप से घायल है। भागलपुर निवासी जयंत सिंह के ऊपर पिस्तौल तानकर 10,000 रुपये एवं अन्य सामान लुटेरों ने राहजनी कर ली। घटना पूर्णिया जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र में घटी बताई जाती है। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने 8 मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में 7 कारीगरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। किशनगंज जिले के तुलसिया न्यू मार्केट के निकट किराना व्यवसायी प्रदीप कुमार सिन्हा के ऊपर अपराधियों ने लाठी चाकू से हमला कर दिया। वह बुरी तरह से घायल है, उसे पूर्णिया रेफर कर दिया गया है। खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र में ब्रह्मा इंटर स्कूल पिपरा में चोरों ने ताला तोड़कर अलमारी से 5,000 रुपये और आवश्यक कागजात चोरी कर ली। कटिहार जिले के पोठिया ओपी अंतर्गत पूर्वी चांदपुर में सुशील कुमार सिंह के घर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। दूसरी ओर डुमर पंचायत में भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दी है। अररिया में एक LIC एजेंट के घर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। इस घटना में नकदी समेत लाखों की चोरी हुई है। घटना कृष्णापुरी मोहल्ले की है। बिहार शरीफ के तुंगी गांव के पोखर में स्नान करने गई 3 बहनों की डूबकर मौत हो गई। इस घटना को लेकर पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है।
बिहार पुलिस में बहाली शीघ्र होगी, इसमें खिलाड़ियों को 1% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार के राजधानी पटना में 3 छात्र आग से झुलस गए। इनमें से एक ने अनजाने में जलती चूल्हा के पास बॉडी स्प्रे कर दिया था, इसी कारण चूल्हे की आग पूरे कमरे में लग गई। रोहतास जिले के अमियावर गांव के ग्रामीण बैंक की शाखा से 2.5 लाख लूट कर भाग रहे 3 अपराधियों को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उनके पास से एक देशी कट्टा भी मिला है। ये थी बिहार की 21 बड़ी खबरें। खबरें कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। अगर हमारा ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें। अगर हमारा ये वीडियो आप Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो Facebook पेज लाइक करें। शुक्रिया।